नमस्कार दोस्तों, तो इस क्रेन में अगर आपने एक पार्ट सीख लिया तो आप आसानी से ये क्रेन चला सकते हो। अगर क्रेन चला सकते हो तो आप आसानी से 25 से 30 हज़ार रुपये पर महीना कमा सकते हो। तो वो कौन सा पार्ट है, आज हम उसी मेन जो पार्ट इसी हेड्रा का रहता है, पूरा मेन पार्ट वही है, उसी पार्ट को अगर आपने सीख लिया तो आसानी से आप क्रेन चला सकते हो। तो इसी पे आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, जो मेन पार्ट कौन सा है। ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करेंगे, फालतू की कोई इसी में वो नहीं करेंगे, हम ओनली फॉर उसी मेन पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलो चल के बता देता हूँ आपको इस मेन पार्ट के बारे में, और इसमें क्या सीखना है और कैसे सीखना है वो भी मैं आज पूरा विस्तार से बताऊँगा। तो दोस्तों, इसका जो एक पार्ट है सीखने का, मेन पार्ट वही रहता है। उस पार्ट को सीखने का पार्ट कहाँ होता है मैं बताता हूँ आपको। वो पार्ट ये ड्राइवर सीट के बगल में आपको तीन लीवर दिखेंगे, मैं दिखा देता हूँ। ये तीन लीवर हैं, ये इन तीनों लीवरों को अगर आपने सीख लिया तो आप आसानी से हाइड्रा क्रेन चला सकते हो। अगर हाइड्रा क्रेन चला लोगे तो आप आसानी से 25 से 30 हज़ार रुपये पर महीना कमा भी लोगे। तो मैं बताता हूँ इसमें आपको क्या सीखना रहता है। इन तीनों लीवर में ये जो पहला लीवर है, ये लीवर आपको दिख रहा है, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है अप और डाउन। जो सामने आपको ये बूम दिख रहा है, इसी बूम का सबसे महत्वपूर्ण काम, क्रेन हो हाइड्रा हो, इसी में महत्वपूर्ण काम इसी बूम का रहता है। जो सामने ये आपको सिलेंडर दिख रहे हैं, दो जैक दिख रहे हैं, ये बूम अप और डाउन करने के लिए ये लीवर रहता है। इस लीवर को पीछे लेंगे तो बूम अप जाएगा, और इस लीवर को आगे लेंगे तो बूम डाउन जाएगा। उसके बाद में ये दूसरा लीवर आ जाता है, इसका काम रहता है, इसके ऊपर लिखा हुआ है आउट और इन। अगर इस बूम, इस लीवर को हम पीछे लेंगे तो बूम अंदर होगा, और इसको आगे दबाएंगे तो बूम बाहर होगा। इसका काम रहता है बूम को अंदर और बाहर लेने का। उसके बाद में ये तीसरा लीवर आता है, इसका काम रहता है जो सामने आपको हुक दिख रहा है उसको नीचे करने का, डाउन करने का, और ऊपर लेने का काम रहता है। तो इसके ऊपर आपको लिखा भी होगा एक साइड में लवर और राइस में, इसके ऊपर ये लिखा भी रहता है तीनों पे। ये तीनों लेवर ऑपरेटर के राइट साइड में रहते हैं। इन तीनों लेवर का महत्वपूर्ण काम रहता है इस हाइड्रा के अंदर। ये तीनों लेवर पूरे हाइड्रा के काम को मैनेज करते हैं, और इसमें सीखने लायक कोई बड़ा काम नहीं रहता है। जो हेवी गाड़ी, जो बड़ी गाड़ी चलाते हैं, उन लोगों के लिए सीखने के लिए कुछ नहीं रहता है। सेम वही स्टेयरिंग रहता है, वही क्लच ब्रेक रहते हैं तीनों, क्लच ब्रेक एक्सीलेटर तीनों हो गया, वही गेयर रहता है, और वही सामने जो लगा ये बोल्ट रहता है, डेस्क बोल्ट, यही सामने वही लगा रहता है सेम। कोई बड़ी बात नहीं है सीखने की इसमें। और सबसे महत्वपूर्ण यही तीन लीवर रहते हैं। ज़्यादा घुमाने की इसमें वीडियो में लोग घुमाते हैं, मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ। अगर आपने ये तीनों लीवर सीख लिए तो आसानी से आप हाइड्रा चला सकते हो। और इसके बगल में आपको ये दो लीवर और दिखाई देंगे, ये लीवर, ये आगे के, ये लीवर आगे के जो जैक रहते हैं, जो जैक रहते हैं आगे के, कई बार हम भारी लोड में काम करते हैं, जैसे हेवी काम करना है तो इन जैकों का उपयोग करते हैं, आगे के जैक टच कर लेते हैं, इसी ये दोनों लीवर उन्हीं के लिए होते हैं। मेन इसमें जो सिस्टम होता है, इसका मेन पार्ट है जो यही पार्ट रहता है, ये तीनों लीवर है। तीनों लीवर पे पूरा हाइड्रा मैनेज पूरा काम करता है। उसके बाद में गियर, ये सब तो आम आदमी जानता है, जो हेवी लाइसेंस है वो आसानी से इस गाड़ी को चला सकता है, और पर महीने 25 से 30 हज़ार रुपये कमा सकता है। और नया आदमी चलाने से पहले ये एक चार्ट लगा रहता है ड्राइवर साइड में, जैसे हम इसके अंदर जाएंगे, ऑपरेटर अंदर जाएगा, उससे पहले आपको एक चार्ट दिखेगा, तो इसमें डिग्री वगैरह ये सारा समझ लें और पढ़ लें, तो इसमें आपको चलाने में बहुत आसानी और मददगार रहता है ये। तो ये सिस्टम है इस हाइड्रा में, क्रेन में, एसी क्रेन है, F150 क्रेन है ये। ये क्रेन चलाना सीखना है तो मेन पार्ट ये सीख लो, आप आसानी से चला सकते हो। और इसमें बहुत कुछ बताया जाता है, लगभग इंग्लिश में बताया जाता है, मैं आपको शुद्ध शब्द हिंदी में बताया है। और इसका ये पार्ट है पूरे हेड्रा को, पूरे मैनेज को लोड में उठाने में करने में पूरा काम इसी का रहता है, क्रेन का काम ये रहता है। और तो एक गाड़ी है, जैसे अपने गाड़ी चलाते हैं, हेवी बड़ी गाड़ी चलाते हैं, उसी हिसाब से हम आसानी से इसको चला सकते हैं। वही सेम दिख रहा है आपको, गियर है, स्टेयरिंग है, क्लच ब्रेक है, जैसे बड़ी गाड़ियों का काम करता है सेम इसी का उसी प्रकार से काम करता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर और कुछ जानना है इस हाइड्रा क्रेन के बारे में, हाइड्रा के बारे में, और कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो दोस्तों, जय हिंद, फिर आएंगे एक नई वीडियो के साथ। तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, लाइक कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय